नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं लॉजिकल टॉक और आज इस चैनल में मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आई हूं, जिस वीडियो में मैं आपके सामने एक प्रोडक्ट लेकर आई हूं जिसका नाम है डेवरी डेज ऑइंटमेंट। जी हाँ दोस्तों, जो डेवरी डेज ऑइंटमेंट है, आज की वीडियो में मैं इसका यूज़ बताऊँगी कि इसको क्यों यूज़ करते हैं और इसके क्या बेनिफिट हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें जिससे कि हमारे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके, क्योंकि दोस्तों आपके साथ ही हमारा विकास है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों ये जो डेवरी डेज ऑइंटमेंट है, इसको यूज़ किया जाता है जो डेड टिश्यू होते हैं उसमें जो पस पड़ जाता है किसी भी वजह से, जैसे कि अल्सर हो या जल गया हो, बर्न्स हो, बेड सोर्स हो यानी बिस्तर पर लेटे लेटे जो घाव पड़ जाता है उससे हो, या सर्जिकल वाउंड हो यानी कि जो सर्जरी में वो घाव होता है सर्जरी का वो हो, सिस्ट हो या करबंसल्स हो, इस सब में जो भी आपके जो टिश्यू डेड हो जाते हैं या उसमें पस आ जाता है, ये ऑइंटमेंट उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। इसमें जो डेवरी डेज ऑइंटमेंट है, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो पेपेन और यूरिया है, जिसका अमाउंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों जो पेपेन और यूरिया कॉम्बिनेशन का जो ऑइंटमेंट होता है उसको डेब्रीडिंग एजेंट बोलते हैं। इसका काम होता है दोस्तों कि जो डेड स्किन और पस होता है उसको ब्रेक डाउन करता है यानी तोड़ता है, और उसको वहाँ से तोड़ के हटा के आपके जो घाव होता है, ओपन वॉन्ड्स होता है, उसको जल्द से जल्द इम्प्रूव करता है और रिकवरी टाइम को कम कर देता है जिससे जल्दी से जल्दी आपका घाव ठीक हो जाए। इसका यूज़ करने की बात करें दोस्तों, तो इस ऑइंटमेंट को यूज़ करने से पहले जो भी इफ़ेक्टेड एरिया है उसको सेलाइन या कोई अदर क्लिनजिंग सॉल्यूशन से वॉश कर लें, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें दोस्तों कि हाइड्रोजन परऑक्साइड आपको बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ करने से आपको कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जब ये ऑइंटमेंट यूज़ करें तो हाइड्रोजन परऑक्साइड एज अ क्लिनजिंग सॉल्यूशन आप ना यूज़ करें, और इस ऑइंटमेंट को उसके बाद अप्लाई कर देना है उस जगह पे, उस जगह को फिर कवर कर देना है, अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग कर देनी है जैसे कि बैंडेज से, और उस जगह को सिक्योर रखना है। एक बात का ध्यान रखें दोस्तों कि जब भी आप ऑइंटमेंट अप्लाई करें तो अपने अफेक्टेड एरिया को अच्छे से साफ़ कर लें, फिर ड्रेसिंग को अपनी चेंज करें। अगर कोई प्रॉब्लम इससे आपको होती है तो तुरंत अपने फिजिशियन या डॉक्टर से कंसल्ट करें। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है, इसकी जो कंपनी है वीरको बायोटेक कंपनी का प्रोडक्ट है, जिसकी MRP जो है वो 158 रुपये है, और जो अमाउंट है ये 15 ग्राम है। ये आपको ऑनलाइन साइट पे भी आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मैं जल्दी फिर मिलूँगी एक नई वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।